गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और बेसिक की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें ये है हमारा वीडियो नंबर 6, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे आपको पेज के अंदर को टोटल 12 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर सारे नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि कोई ना कोई नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 12 और 6 दिया हुआ है, तो 6 के टेबल में 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 11 के टेबल में 33 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 14 के टेबल में 42 आता है। तो मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि कोई नंबर दूसरे नंबर पे टेबल में आता है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हाट आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आपको 6 का टेबल 5 तक लिख देना है, जैसे कि 6, 12, 18, 24 और 30। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। अब हम बात करेंगे कि ऐसे फ्रैक्शन को हम रिड्यूस कैसे करें, तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपको छोटा नंबर ढूंढना है और उस छोटे नंबर का टेबल माइंड में बोलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 12 और 6 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 6 है वो 12 से छोटा है, इसीलिए हम पहले 6 का टेबल माइंड में बोलेंगे। और हमें मालूम है कि 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 टू जा 12 आता है। तो हम यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे कैसे, 6 के टेबल में 12 आता है तो हम 6 और 12 दोनों को कट करेंगे, 6 और 12 दोनों को कट करेंगे और जो 2 आंसर है ये 6 और 6 टू जा 12 हुआ, तो हमने 6 और 12 को तो कट कर दिया, तो ये 2 किसके पास जाएगा, ये 2 हमेशा बड़े नंबर के पास जाता है, मतलब 12 के पास जाएगा। तो 6 के पास क्या बचा, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो लाइन थी लाइन कर दिया, लाइन के ऊपर 2 बचा है और लाइन के नीचे 1 बचा है। एक बात याद रखना है, अगर लाइन के नीचे 1 आए तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट छोटा नंबर देखिए, 11 है, 11 का नंबर एक बार माइंड में रिवाइंड कीजिए, 11 3 जा 33, तो मैं 11 को और 3 को दोनों को कट करवा रहा हूँ। वैसे भी 33 बड़ा है तो आंसर 33 लेके जाएगा, बड़ा नंबर लेके जाएगा। तो ये लाइन है, लाइन कर दिया, लाइन के ऊपर 3 बच रहा है, लाइन के नीचे 1 बच रहा है, अब नीचे 1 आए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नंबर 14 है, तो 14 का टेबल आपको एक बार बोलना है, तो 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, तो वैसे एक लाइन है, लाइन कर दिया, ये एक्चुअली लाइन नहीं है, डिवीजन का सिंबल है, तो ऊपर हमने 3 लिख दिया, नीचे 1 लिख दिया, जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 1 बचेगा, और वैसे भी 1 है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनका सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और वो सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। हम जानते हैं नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, 8 छोटा नंबर है 16 से, तो 8 का टेबल बोलना है आपको, 8 टू जा 16, तो 8 टू जा 16, यहाँ पे मैं 2 कहाँ लिखूँ, आपको मालूम है कि जो आंसर होता है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 8 टू जा 16, तो हमने 8 और 16 को तो कट कर दिया यहाँ पे, तो ये 2 किसके पास जाएगा, 2 हमेशा बड़े नंबर के पास जाता है, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे क्या बचा, 2। अब जब ऊपर 1 बचेगा तो आपको उसको लिखना कंपलसरी है, तो आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो 3 3 जा 9, क्यों मैंने 3 ऊपर लिखा, क्योंकि 9 ऊपर है और आंसर हमेशा बड़े नंबर के पास जाता है, तो 3 और ये 1 हो गया, नीचे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर 3 हो गया। 25 छोटा नंबर है, तो 25 2 जा 50 होता है, 25
50 हो जाएगा। मैंने 2 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि 50 बड़ा है इसलिए आंसर भी उसके पास जाएगा। ऊपर क्या बचा है 1 और नीचे क्या बचा है 2। ऊपर 1 आया इसलिए आपको 1 लिखना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे 16 टूजा 32 होता है, तो 16 को कट किया, टूजा ऊपर लिखूंगा क्योंकि बड़ा नंबर है 32, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, लाइन करेंगे 2/1। अगर नीचे 1 आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 16 है 48 है, 16 छोटा है इसलिए 16 का टेबल एक बार रिवाइंड करो, 16 वन जा 16 टू जा 16 थ्री जा 48 होता है। 3 नीचे लिखा क्योंकि 48 बड़ा है, ऊपर कुछ नहीं तो 1/3, ऊपर 1 लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखना कंपलसरी होता है इसलिए लिखना पड़ेगा। 22 44 है, 22 छोटा है, 22 के टेबल में 44 टू जा से होता है, तो आंसर 2 ऊपर इसलिए गया क्योंकि 44 बड़ा है 22 से, तो ऊपर 2 बचा, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे 1 आए तो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 11 और 22, 11 ऑब्वियसली छोटा है तो 11 टू जा 22 बड़ा है इसलिए आंसर 2 नीचे जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1/2। नेक्स्ट 5 और 25 है, 5 छोटा है, 5 का टेबल बोलेंगे 5 जा 25 बड़ा है इसलिए आंसर नीचे गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, और ऊपर 1 आता है तो आपको लिखना कंपलसरी होता है इसलिए आंसर हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट जब जीरो वाले क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, आप ऊपर नीचे जीरो कट करा दीजिए, ऊपर क्या बच रहा है 1 और नीचे क्या बच रहा है 10, तो यही आपका आंसर हुआ 1/10। अगर ये ऐसा होता 100/10 होता तो 10 पीछे से आपको कट करते आना है, 10 कट हुआ, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 1, नीचे 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाता 10। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, और पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जो प्रेस बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को हो सके इतना मैक्सिमम स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।